गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। वेलकम बैक। सो आज है 4th of February 2023 और अभी हम हैं देहरादून में। आपको पता है हम लोग हैं उत्तराखंड से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश। तो आज हम आपको दिखाएंगे ऋषिकेश के कुछ नज़ारे, तो लेट्स गो। हम लोग निकल गए हैं घर से, ये हरिद्वार रोड पर है और ये देखिए रविकांत सांगुरी का स्कूल। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और आके कैसा लग रहा है तुझे अपनी पुरानी गाड़ी चलाते हुए? तो हम लोग अपनी पहली गाड़ी में बैठे हैं जो हमने ऑलमोस्ट 10 साल पहले खरीदी थी। और गाड़ी अभी भी एकदम 9 ईयर्स गाड़ी अभी भी एकदम बढ़िया चलने में। और जंगलों के बीच से हम निकलते हुए, ये पहले प्राइमरी रास्ता हुआ करता था यहाँ पर। अगर आप कोई देहरादून का है तो उसे पता होगा कि यहाँ से बगल में लच्छी वाला, जो कि बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हुआ करता था एक टाइम पे। हाँ, अभी भी है क्या? I don't know, but लच्छी वाला ये रहा बगल में। बहुत ही नेचर पार्क, बहुत ही बड़ा पार्क हुआ करता था। ओके, तो अभी हम लोग हैं वापस XL6 में। रुद्रांश, ये हमारा छोटा सा बच्चा रो रहा है। With Bubs. Bubs, say hi. ये दोनों बाप से हाय। इन इसकी आदमी की वजह से हम लोग लेट हुए आज। मेरी वजह से लेट नहीं हुए, जो लास्ट में बैठे थे उस वजह से लेट हुए। मैं टाइम पे तैयार हो गया था। अच्छा, एनीवेज हमारे मित्रा ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है, प्रमेश उसने लगा हुआ है। एनीवेज हमारे पास पूरा दिन है, सो विल प्लान अकॉर्डिंग। पूरा दिन भाई देखो 12 बज चुके हैं। अरे हाँ, तुम्हारे इसका नाम रुद्रांश है। हाँ, तुम्हारे हो कैमरे में, बेटा फोकस में हो तुम, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, ये ही है आज का स्टार। और तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए, देखते हैं वहाँ का क्या प्लान है। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं करी है, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या करेंगे। राफ्टिंग करेंगे या? लेट्स सी। राफ्टिंग का जो लास्ट स्लॉट होता है वो 2 बजे का है, अगर हमें मिल पाएगा तो कर लेंगे, लेकिन आज सैटरडे है तो थोड़ा मुश्किल है। लेट्स ट्राई, लेट्स सी। बट मुझे एक और चीज अच्छी याद आई, वहाँ पे एक वाटरफॉल है जहाँ पे हम जा सकते हैं। 400 मीटर 600 मीटर का ट्रैक है, वी कैन डू इट। अभी मुझे याद आया, लेट्स सी क्या क्या करता है। ट्रैफिक का माहौल आपको पता ही है कि कहीं से भी कोई निकाल सकता है। जो भी गाड़ी चला रहा है वो अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। आगे पीछे वाला नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है। तो हम लोग निकल चुके ऋषिकेश के लिए। यहाँ से ऋषिकेश है कुल 25 किलोमीटर। तो हमको एक लोकेशन बताइए इन भाई साहब ने, कहाँ जा रहे हैं? नीरगड्डू, कुछ नीरगड्डू वाटरफॉल है ऋषिकेश में। ये वाटरफॉल नेचुरल वाटरफॉल है, 200-250 मीटर का ट्रैक है और वहीं पे खाने पीने की जगह है। वहीं पे आप वाटरफॉल के बीच में बैठ के मैगी खा सकते हो, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रियलिटी क्या रहेगी वो वहीं जाके पता चलेगा। तो इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती कि नहीं होती वो हम वहां जाके देखते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, वो आप सबकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। हमारी एक्सपेक्टेशन वही है जो तुम बता रहे हो, वो देख उसकी एक्सपेक्टेशन वही है। तो हम देखते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या कहती है। अब आ गए बहुत ही बढ़िया पहाड़ी रास्ता, ऋषिकेश के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ पर रात को शाम को हाथियों के झुंड बहुत घूमते रहते हैं, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। घुमावदार मोड़ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तीव्र घूम है यहाँ पर, अगर मैं परमेश्वर की भाषा में बोलूँ तो। okay. और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आराम से गाड़ी चलानी है यहाँ पर। हम पहुंच चुके हैं राम झूला, अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जाएंगे नील वाटरफॉल पे, नीलगट्टू वाटरफॉल जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ बैठेंगे, शाम को वहाँ से निकलेंगे, सेंट्रल आएंगे, यहाँ पे पार्किंग लगाएंगे और अपना त्रिवेणी घाट लक्ष्मण झूला घूमेंगे, त्रिवेणी घाट पे आरती देखेंगे और फिर उसके बाद वापस निकलेंगे। दिस इज द प्लान, ठीक है? अगर हमें कहीं लगता है कि हमें रेस्ट करना है या टायरिंग हो रहा है, देन दिस कोई रिजॉर्ट लेके कमरा ले लेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट अभी तो फिलहाल हमारा ये प्लान है कि इस तरीके से करते हैं। हम लोग जा रहे हैं नीर झरने की तरफ। बहुत ही टूटी फूटी सड़क है बट काफी रोमांचिक, awesome. काफी रोमांचिक रोमांचित करने रोमांचक
करने वाला, रोमांचित करने वाली जगह है, जगह है। हिंदी के लिए माफी चाहता हूँ, रोमांचक अनुभव है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद सड़कें हैं। मेरी हिंदी ठीक करने के बजाय अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए। और ये भाई साहब आ गए यहाँ पर, नीर वाटरफॉल, एंट्री फीस देंगे हम इंडियंस के लिए 30 रुपए, ऑब्वियसली, और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपए। हम तो इंडियंस हैं, तो यहाँ अगर आपको देना है, बच्चों का भी देना है तुम्हें? एक ही तो बच्चा है, 5 से 10 वाला भैया, 6 एडल्ट है, 2, 1 बच्चा है, 5 से 10 वाला ही बच्चा है ना बस। हाँ बस, फिर एक बच्चा है। ले लिया तुमने फिर टिकट? हाँ जी, ये रहा सर टिकट, ये रहा हमारा टिकट, ये रहा सर टिकट। तो चलो 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 चलो, मुझे भूख लगी है। तो हम सब पहुंच चुके हैं नीर गट्टू वाटरफॉल में। तो ये रहा जी वाटरफॉल, और वो ऊपर तक सबको जाना है, पानी में नहीं कूदना बेटा। हम सब लोग निकल चुके हैं, चलो भाई चलो, बहुत टाइम है अभी, चलो कोई से भी चलते रहो। हाँ आरती करनी है, त्रिवेणी नहीं, 6:30 बस हो गया भाई, वहाँ मनाए जाना। अबे चल, फॉरेनर्स को नहीं है मना। चलिए चलिए, चलते रहिए चलते रहिए, रुकना नहीं है, चलते रहिए। तो यहाँ पर आने के लिए यही रास्ता है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप आराम से नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। बैठने की जगह हमने ढूंढ ली है, आजा भैया नीचे खाली हो गया, हम बैठेंगे यहाँ पर झरने के पास। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीरगट्टू फॉल पे, फॉल का नजारा कुछ ऐसा है, ऊपर भी है, बट हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सारे लोग यहाँ पर मैगी और चाय ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, धूप और हवा और ठंडक, मजा आ रहा है। तो हम लोग खा रहे हैं मैगी, ऑमलेट, सब लोग खा रहे हैं, और ये खा रहे हैं अंडा मैगी। क्या रही एक्सपेक्टेशन? अच्छा है, नॉट बैड, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन खरी उतरी है अभी तक। देखो फिर परमेश्वर, क्या कहना चाहते हो, जगह कैसी लगी तुम्हें? नहीं लेके आया, तुम्हें कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, हमें भी अच्छी लग रही है। खाना और टेस्टी हो सकता था, हाँ जी जगह बहुत अच्छी है, थोड़ा सा खाना और टेस्टी हो सकता था, लेकिन फिर भी बट ये मजा है, इस व्यू के साथ खाना भी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ का काम पूरा हो चुका है, हम लोग यहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं। ललित ललित, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और हम आगे चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। चलो चलो आराम से उतरो, आराम से, जो अच्छी है उसके पैसे भी तो बहुत ना। आरती के फूल अच्छे लग रहे हैं। तू मुझे गा रही है कि मैं तुझे उतार रहा हूँ? आप तो उतर जाएगी। तो रेट्स कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? गुड बट इट बी बेटर द नेक्स्ट प्लेस आई एम गोना डिसाइड, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड लेट्स गो। आराम से उतरो भाई, बेबी स्टेप्स लेकर के। तो ये ना यहाँ से व्यू नीचे है गंगा, और अब हम लोग जाएंगे वहाँ, लेट्स गो। यहाँ से आप जा सकते हैं श्रीनगर, गौरीकुंड, बद्रीनाथ, और हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स शिवपुरी।
और वहां से फिर गोवा बीच। तो अभी हम लोग हैं बंजी जंपिंग के पास यहाँ पर। नहीं ये बंजी नहीं है यार, बंजी है, दिस इज नॉट बंजी बाबा, ये वो रेस्टोरेंट है भाई, दिस इज द एंटायर थ्रिल फैक्ट्री। हाँ, दिस इज द एंटायर थ्रिल फैक्ट्री। तो हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं, बट मुझे नहीं पता कि ये बंजी है कि नहीं। ये वही है, दिस इज द थ्रिल फैक्ट्री। हाँ, बट यहाँ बंजी नहीं है भाई, सब कुछ है, वो कोने में बंजी जंपिंग का है। ओके, सो दैट इज वो लास्ट वाला बंजी जंपिंग का है, दैट इज फॉर बंजी जंपिंग। अगर किसी को करनी है, किसी के अंदर इतना थ्रिल है, इंडिया हाईएस्ट बंजी जंपिंग। हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट शिवपुरी से बहुत ऊपर, ब्यास की जगह, ब्यास एक जगह है, वहां पर हम आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग अब पुल क्रॉस करके गंगा जी में नीचे उतरेंगे, यहाँ पर फोटोज क्लिक करने के लिए। तो हम लोग पहुंचे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि गंगा जी का बहुत ही सुंदर नजारा है। हाँ जी भाई साहब, तो अब बात करते हैं, पूछते कहाँ तो जाना है, और उसके बाद फिर ऋषिकेश शहर चलेंगे। अब इसको चुप करके बैठ के रख, नहीं तो अब ना चाची पिट्टी करेगी। भाई साहब 20 किलोमीटर ऊपर है गोवा बीच से। कौन बोल रहा है ये बात? मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो नया हूँ। नया हूँ क्या बोल रहा था? नहीं बोल क्या रहा था? अरे हम सही आ गए, देखो गूगल मैप पे दिखाया था मैंने, हम गंगा जी के साथ साथ चल रहे हैं। हाँ तो गंगा जी साथ चल रहे हैं, देखो टेक्निकली में सब चीज सही था, गंगा जी भी साथ साथ बह रही है नीचे को, हम भी नीचे को जा रहे हैं, वो गंगा जी नीचे को बह रही है। वो कंफ्यूजन हो गया, पर गोवा बीच यहाँ पे लिखा हुआ था। अभी अभी दिखाऊंगा तुझे थोड़ी देर में। तो हमारे साथ थोड़ा सा चोट हो गई है, हम लोगों को जाना था गोवा बीच, बट हम लोग आए थे एक्चुअली ब्यासी के पास, जहाँ पर की प्री वेडिंग फोटोशूट होते हैं, जहाँ पर हम थोड़े से अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते थे। बट हुआ ये कि यहाँ पर जो भी वो एरिया था, बीचेस वाला एरिया, वो लैंडस्लाइड में बह गया पूरा का पूरा। तो अब वहाँ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग वापस शहर की तरफ जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल गोवा बीच है वहाँ जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है और क्या है। और हमको जो है वो इंटरसेप्टर ने पकड़ लिया है, आई गेस हमारी स्पीड, हमारी गाड़ी की स्पीड ओवर 80 थी। अरे ललित को फोन कर दे कि रुक जाए। लेट्स सी क्या होता है, क्या हुआ चल रहे हैं। हाँ भाई कट गया, ताकि उनका हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनकी तरफ, जो टैक्सेस दे रहे हैं, इसी बहाने ऋषिकेश के रोड पे थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दैट इज अ पॉजिटिव, आई एम नाउ गेटिंग अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट इट। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे मित्र प्रवेशु के विचार चलान कटने पर, जो कि ओवर स्पीडिंग का चलान कटवा गया है। अभी इको पर्यटन शुल्क जो कि आपको देना पड़ेगा कार जीप वैन में 50 रूपए प्रति वाहन। भाई जी लोकल गाड़ी से कौन सा लग रहा है? अब लोकल कहाँ से हो सर? देहरादून के। देहरादून का नहीं लगता सर यार। तो आप पर्ची दो फिर। नहीं लगता। अरे बहुत बढ़िया, वो तो रोकना पड़ता है ना थोड़ा। चलो थैंक यू भैया, यही दे दो क्या पता। देखा तो लोकल गाड़ियों का चलान जो आपका इको टैक्स है वो नहीं लगेगा, हम लोग चुपचाप जा सकते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग गोवा बीच पहुंचने वाले हैं, 700 मीटर पे, 1 मिनट का ड्राइव है, और रास्ता कुछ ऐसा है, सीनिक ब्यूटी, नीचे बगल में गंगा जी चले दिखाई दे रही है। ये मैं आपको रेफर कर रहा था रश्मि, जब याद है मैं तुझे बता रहा था दोस्त, मैं अपने ऑफिस की ट्रिप से आया था, तो ये रास्ता मैंने हरिद्वार। हाँ भाई, भाई का तो कट गया, ने कटा दिया चलान ओवर स्पीडिंग का, 71 बोल रहे थे इसको हम, स्लो कर ले। नहीं और होता हमेशा ऐसे ही है, यहां स्पीड बढ़ी रहेगी, समझ रहे हो भाई साहब आप? चलो वो रही राफ्ट्स, लोग राफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं।
रैपिड से होते हुए बहुत ही रोमांचक राफ्टिंग। बोला है फिर कमर्शियल जा रही है, गाड़ियां सारी। पैसे चाहिए क्या भाई को? तो भाई अभी क्या लक्ष्मण झूला के लिए क्या बोला उसने? अब वो आगे से जाएंगे क्योंकि जब से जाओगे तो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा। छह दिन हम लोग गोवा बीच नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ पार्किंग इश्यूज, और जो हमारा चालान भी कट गया था तो पुलिस वालों से दोबारा पंगे लेने का सेंस नहीं बनता। अब हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लक्ष्मण झूला। तो हम लोग आ चुके हैं राम लक्ष्मण झूला के पास, जहाँ पर कि हमको मिला एक छोटा सा डॉगी। कम है भाई, जरा ये देखो। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हम जाएंगे नीचे। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं ऋषिकेश की लोकल मार्केट में। खुला है कि बंद है? क्यों अच्छा दिन है तुम्हारा? और रोड से राम झूला से क्रॉस करते यहाँ पे बोर्ड भी बंद है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तो पहले करता शनिवार के दिन खाली हुई जगह। आज भाई बहुत दिन वाला चलो फिर चलो राम लक्ष्मण झूला तो बंद है। कितने के पूछ तो रहे? जो मेरे पास नहीं है ना, मैं वैसे देख रही हूँ कि क्या क्या यूज कर सकती हूँ। तो हमारे साथ फिर से एक चोट हो गई है। समीश बताया क्या हुआ है? हम लक्ष्मण झूला आए थे और लक्ष्मण झूला बंद है। हमने सोचा हम बोट से क्रॉस करेंगे, बोट 5 बजे बंद हो गई। हमने सोचा था कि हमने सोचा हम वापस जाएंगे ऑटो रिक्शा से, वो भी नहीं मिल रहा है। फिर हमने सोचा था कि हम आरती देखेंगे तो वो खत्म हो चुकी है। तो आरती खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा नहीं बताने, तो इससे ज्यादा बताने लायक हम बचे नहीं। तो सब कुछ वी आर स्क्रूड टुडे। सो हमारा कटा नहीं है, हम कटे पे गिर गए हैं। तो आज सब कुछ ऐसा ही हुआ है वहाँ साहब। तो अब आए तो कुछ तो लेके जाएंगे, क्यूरेट्स देखते हैं। यही थी आंटी वाली दुकान। यही थी आंटी वाली दुकान। कोई नहीं है, आ दो आंटी तेरी। बाहर की लाइट आज नहीं है भैया। ओहो, इसीलिए ना। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? आज के हम धीरे धीरे चल रहे हैं। इस तरीके के छोटे बैग है, वो What do you want? मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए। Something like this. Maybe.
जब उसमें भरते हैं ना मैडम तभी लुक आती है। हाँ जी। ऐसे खाली खाली की लुक नहीं पता नहीं। यू लाइक ये 350 के है ना मैडम, बेचने के लिए अभी क्या हमने दुकान नहीं लगाई ना, इसलिए हम रेट वो बता दूंगी मैं। देखो लाइट भी नहीं है जो निकल जाए, कल सुबह है ना फिर रेट और बढ़ेंगे जब मेरा पूरा डेकोरेशन हो जाएगा। अभी हम लोग तो ये शिवजी वाला ले दे भाई, वही सही है। कितना हो गया? 550 और 350। आप कुछ तो कम करोगे ऐसे ऐसे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। कमी करके बोला है, फिर भी कोई बात नहीं। चलो चलो आप 750 कर लो दोनों के। इतना नहीं कमा दोगे, देखो मेरी बात ये हो गया 550 और 350 कितना हुआ हिसाब? 900। उसका 750 इतना कमाई नहीं करते भैया, इतनी कमाई 750 सही तो है। इसमें तो मैं ये रुपया भी कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैं ऐसे मैं 450 का देती हूँ, इसमें मैं एक रुपया भी नहीं कम कर सकती। चलो 800 करो दोनों के। 900 बनता है तो 800 कर लो आंटी, 800 इतना तो हो जाएगा, 800 ठीक है। आपको पहले रेट में कम करके रामझूला पार्किंग पे लगा दी है, यहाँ से रामझूला सिर्फ 100 मीटर है, तो देखते हैं आगे। आई होप कि अब कुछ और गड़बड़ ना हो हमारे साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं रामझूला की मार्केट पे। सीख ये होती मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मैंने कहा सीख कैसे बोलना पड़ता है। हाँ ऐसे बोलना पड़ता है, देखो ऐसे मार्केट दिखानी पड़ती है, दिखाना पड़ता है रामझूला, बस दिखाना ही है बस। और चाचू मेरे को भी नहीं, एक बार गर्विश को भी लगा दिया अपना खाना चाहो रेट्स। तो फाइनली हम लोग रामझूला आ चुके हैं। ये जो हिल रहा है ऐसे करके, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत सालों बाद आई हूँ। हाँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि झूला हिल रहा है, क्योंकि झूला हिल रहा है, यही तो मजा है। तो ये रहा वर्ल्ड फेमस रामझूला जो कि बहुत हिल रहा है अभी। नीचे से आपको गंगा नदी वैसे दिख रही है। दिस इज सीरी। तो रामझूला क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे हैं ऋषिकेश की इस तरफ वाली मार्केट में। तो हमने रामझूला देख लिया है, अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट। क्या जो भी है मुझे जाना ही नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द फेमस चोटी वाला। अब वो नहीं आएगा वापस बेल। तो इसी साथ अपना आज का ट्रिप खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।